तो पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बीजेपी ने तीतावार विधानसभा सीट से कामयाखा प्रसाद को उतारा है। यहाँ सीएम तरुण गोगोई भी चुनाव लड़ते हैं। वहीं बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल को मांजुली से टिकट दिया है। आपको ये भी बता दें कि असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ 88 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने असम में असम गण परिषद के साथ चुनावी गठबंधन किया है। जो असम की 126 सीट्स हैं, उस 26 सीट्स में से जो 90 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसमें से आज 88 सीट्स का चुनाव में चयन हुआ। चुनाव समिति ने चयन किया, राष्ट्रीय चुनाव समिति ने उस पर मुहर लगाई। हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो मझौली सीट जो कि आइलैंड ऑफ आसाम है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कामाख्या प्रसाद तासा जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो तीताबार से तरुण गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्ड खेला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपोते चंद्र कुमार बोस को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कि चंद्र कुमार जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पौत्र हैं, शरद चंद्र बोस जी के ग्रैंडसन हैं। एंड इट इज विद द परमिशन ऑफ माय नेशनल प्रेसिडेंट श्री अमित भाई शाह, इट इज माय प्रिविलेज एंड माय ऑनर टू अनाउंस दैट इन द फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री चंद्र कुमार बोस विल बी द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट अगेंस्ट ममता बनर्जी। बंगाल में भी हमने 294 सीट्स में से आज 52 सीट्स की घोषणा हम कर रहे हैं। मैं प्रमुख नाम आपको बता दूं, चंद्र कुमार बोस जी, आप भवानीपुर, हु हैपेंस टू बी द ग्रैंडसन ऑफ लेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज फाइटिंग फ्रॉम भवानीपुर। लॉकेट चैटर्जी फिल्म एक्ट्रेस, ये स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये मयूर से चुनाव लड़ रही हैं। उसी तरीके से जॉय मुखर्जी सूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर चंद्र कुमार बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव का वक्त आ गया है, जो बदलाव बीजेपी लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में विकास के लिए लड़ाई है। ये सही परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो शायद आप पश्चिम बंगाल का जनता को पूछेंगे तो बताएंगे सही परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 34 साल का ही कंटिन्यूएशन जारी रह गया, तो अब समय आया सही परिवर्तन आने का। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कांग्रेस ने 294 सीटों में से करीब 100 सीटों की मांग की है। अलायंस तो पूरी तरह है, हमारा तो इलेक्टोरल एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सीट अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, तो ये तो इसी के तो अलायंस ही कहते हैं और क्या। और उसमें सीपीएम पार्टी 116 और कल हम 75 नाम निकल चुके हैं, तो इसका मतलब तो अलायंस की सिलसिला जारी है और आगे बाकी जो सीट है वो भी बंटवारा हो जाएगी आपस में, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस 100 की लगभग कांग्रेस की मांग है, देखे क्या मिलता है। ये बंगाल की
हकीकत अलग है, लेकिन क्या करेगा, हम लोग आम जनता चाहते हैं कि तृणमूल के खिलाफ जो वोट हो, वोट आपस में बंटवारा ना हो, तृणमूल को सत्ता में हटाना चाहिए। इसके लिए एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल के ईस्ट बिंदापुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में डीप वार्मिंग की दवा खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक बच्चों को खाली पेट दवा खिलाने से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के ईस्ट से, जहां के बिंदापुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में डीप वार्मिंग की दवा खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक बच्चों को खाली पेट दवा खिलाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने करीब एक घंटे के भाषण में सरकार की खूबियां गिनाने के साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की देन है कि हमें स्कूलों में टॉयलेट बनवाने पड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए कमेटी कांग्रेस ने 30 साल पहले बनवाई थी, लेकिन आज तक गंगा साफ नहीं हुई और उनकी कमियों को माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढा जा रहा है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया अपने भाषण में और कहा कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। पीएम के मुताबिक 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी, ये तो हमने शुरू किया था। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि शुरू किया उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। देखिए, दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। दस दस बीस बीस साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट का खुद ने रिव्यू किया और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। ये 15-15-20 साल पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, गति बढ़ रही है। आज राज्यसभा में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील और तीखे तंज को दरकिनार कर विपक्ष ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चुनाव लड़ने की योग्यता संबंधी संशोधन पास करा लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चुनाव लड़ने के दौरान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। संशोधन पर वोटिंग होने पर केंद्र सरकार को 61 और विपक्ष को 94 वोट मिले। कांग्रेस ने गुजरात और राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने की तीखी आलोचना भी की थी। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्यसभा में इस मुद्दे को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने उठाया और कहा कि न्यूनतम योग्यता तय कर कैसे कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर तीखा तंज कस चुके थे। मोदी ने कहा कि अगले महीने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अनपढ़ प्रत्याशी उतार कर देखे और फिर देखिए कैसा अनुभव होता है। श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर प्रोग्राम को एनजीटी से इजाजत मिल गई है। यमुना नदी के किनारे कार्यक्रम के आयोजन को इजाजत मिल गई है। इसके अलावा एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि डीडीए पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग से कल तक हलफनामा मांगा है कि यमुना नदी को प्रदूषित करने वाली चीजें नहीं छोड़ेंगे।
हालांकि याचिकाकर्ता ने एनजीटी के फैसले पर कहा है कि जुर्माने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। पेनल्टी सर कितनी कितनी लगाई है? दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऊपर 1,00,000 रुपए की लगी है, डीडीएफ पे 5,00,000 की लगी है, फाउंडेशन के ऊपर 5 करोड़ जो उन्हें अभी जमा करने हैं, और असली डैमेज कितनी की है, किस तरह से की है, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी को 4 हफ्ते का समय दिया गया है कि उस 4 हफ्ते में वो ये डिटरमिन करें कि वहाँ कितनी डैमेज हुई है, उसकी रिस्टोरेशन कॉस्ट की कितना खर्चा। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, उसके ऊपर प्रिलिमिनरी फर्स्ट अभी तो और कैलकुलेशन होना है। प्रिलिमिनरी जो जुर्माना लगा है वो 5 करोड़ का लगा है, जो कल तक उनको जमा करना है। डीडीए के ऊपर 5,00,000 का जुर्माना लगा है, डीपीसीसी जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसके ऊपर 1,00,000 का जुर्माना लगा है। अभी आप समझ सकते हैं कि डीडीए विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीपीसीसी विच इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द ऑर्गेनाइजर्स सबके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। एनवायरमेंट की भरपाई पैसे से कभी नहीं हो सकती है। व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग इन दैट रिस्पेक्ट। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑफ। इससे पहले आज आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम का मुद्दा संसद में भी गूंजा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर एक निजी कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई। आर्ट ऑफ लिविंग के 11 मार्च से 13 मार्च तक चलने वाले विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन पर उठा विवाद संसद तक पहुंच गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि नियम को तोड़कर इस कार्यक्रम की इजाजत दी गई है। राज्यसभा में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया, जिसका समर्थन सीपीएम के सीताराम येचुरी और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने भी किया। मैं ये कहता हूँ कि सरकार तत्काल इसको बंद करे, ये तमाशा बंद करे। हजार एकड़ में खादर में जमुना को नाश करने के लिए, तबाह करने के लिए वहाँ कई जलमुर्गियाँ हैं, हजारों अंडे, हजारों एकड़ जमीन सब तरह से तबाह करके इस आदमी का कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये क्या तमाशा कर रहा है। यू प्लीज टेल मी, can the Indian army be roped into assist a private function? Yes. Can the Indian army be roped in to build 2 pontoon bridges leading up across the Yamuna? Can you? I think this is highly irregular. सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का बचाव किया। नकवी ने कहा कि महोत्सव का आयोजन नियमों के दायरे में हो रहा है। बीजेपी सांसद महेश गिरी भी खुलकर कार्यक्रम के पक्ष में खड़े नजर आए। रविशंकर जी का सवाल इसका है, जो भाव है पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है, पूरी तरह से पर्यावरण को ठीक करने के लिए उनके संस्थान काम कर रहे हैं। और एक संत जब एक झंडा लेकर के निकला है कि यमुना और बाकी नदियां, पर्यावरण, इसकी सुरक्षा, इसका सम्मान, संस्कृति का सम्मान, इसको लेकर के अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है तो ये एक्टिविस्ट बाहर निकल के आ रहे हैं, ये किससे प्रेरित है, कौन इनको भड़का रहा है? विश्व संस्कृति महोत्सव 11 से 13 मार्च के बीच दिल्ली में होना है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने पर विश्व संस्कृति महोत्सव आयोजित हो रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग ने दुनिया भर से 35,00,000 लोगों के महोत्सव में आने का दावा किया है। वर्ल्ड कल्चर समिट की ओर से कहा गया है कि यमुना नदी के किनारे हो रहे इस कार्यक्रम में सभी चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। पेड़ कोई नहीं काटा गया है और हर चीज का यहाँ पे ख्याल रखा गया है, प्रकृति का, पानी का, नदी का, स्थान का, सब चीज का। तो आप तो स्वयं बोल रहे हैं, देखे हैं तो हाय तोबा मचाने वाले, बस कुछ लोग मचा रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम पर उठे विवादों के बीच आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
सुरक्षा का भरोसा न मिलने और सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल की सिफारिश के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड टी 2020 के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने बताया है कि हमारी सरकार चाहती है कि भारत उन्हें इस बात का भरोसा दे कि पाकिस्तानी टीम को राजनीतिक पार्टियों और संगठन से सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले आतंकी खतरे के मद्देनजर पीसीबी ने धर्मशाला में मैच खेलने से इनकार किया और मोहाली या फिर कोलकाता में खेलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने कोलकाता में खेलने पर आखिरी मुहर भी लगा दी थी। आपके ऊपर वार आ रहे हैं तो कोई ना कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस होना चाहिए कि वी विल डू आवर बेस्ट। बस ये बात है, हम उनसे कह रहे हैं कि आप इतना ही कह दीजिए एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। सोमवार को पाकिस्तानी दो सदस्यों की टीम धर्मशाला में सुरक्षा हालात का जायजा लेने आई थी। पाकिस्तान धर्मशाला में सुरक्षा इंतजाम से संतुष्ट नहीं थी। पठानकोट धर्मशाला से करीब 90 किलोमीटर दूर है। पीसीबी के मुताबिक यहां खिलाड़ियों को हमले का खतरा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारा गया एक आतंकी का नाम अबू आक्सा है, जो उधमपुर आतंकी हमले में वांटेड था। एनआईए की ओर से लश्कर के आतंकी अबू आक्सा पर इनाम भी था। पुलिस को बानकपुरा में एक दर्जन आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने बौखलाकर जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में जवानों ने दोनों आतंकी को मार गिराया। लखनऊ में आज कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कंप्यूटर शिक्षक बेहतर सैलरी और सुविधाओं की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लखनऊ में सरकार से बेहतर सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस की लाठियां मिली। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को जब पुलिस ने रोका तो उनके और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पहले दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर जमकर लाठियां भेजी। पुलिस ने महिला टीचरों को भी नहीं बख्शा। पुलिस की लाठियां खाकर कई शिक्षक बेहोश हो गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशकों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है इस वक्त, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर काफी लोगों को चोटें वगैरह भी आई हैं। ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सभी प्रदर्शनकारी माध्यमिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में कुल 4000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, जिनमें से 2500 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाएं पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं, जबकि बाकी बचे 1500 इंस्ट्रक्टर्स की सेवाएं भी इसी महीने खत्म हो रही हैं। तमाम इसमें बहनें आई हैं जो शिक्षिका हैं, इनपे बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, अनावश्यक रूप से इनको पीटा गया, जबकि ये शांत रूप से यहाँ बैठे थे। इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है कि कहीं तोड़ फोड़ कर रहे थे, या प्रशासन ये दिखाए कि कहां तोड़ फोड़ इन्होंने किया है। जो ये लाठीचार्ज किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। यूपी में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकारें पुलिस की लाठियों का सहारा आखिर कब तक लेती रही। लखनऊ से अपनी विद्यार्थी, इंडिया 24/7। आगे बढ़ते हैं। विजय माल्या से अपनी रकम वापसी की उम्मीद लगाए बैठे बैंकों को झटका लगा है। माल्या को विदेश जाने से रोकने की कोशिश कर बैंकों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ये बात कही है। रोहतगी ने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें ये जानकारी दी है। इससे पहले 17 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की याचिका दी थी। कोर्ट ने माल्या को 30 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि अगर विजय माल्या विदेश जाते हैं तो एनआरआई होने के नाते उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं सर्विस टैक्स विभाग की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है। माल्या साहब वापिस आए, यहाँ पर बैठे बैंक से बात करी। बैंक को तो अपने पैसे से मतलब है,
पब्लिक फंड से, हम तो वेलकम करते हैं, यहाँ आए बैठे और बात करें और उनको पैसा दे दें, बात खत्म हो जाए। तो उनके हक में ही है, बेहतर है कि वो आए सेटल करें, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। भागने से क्या मिलने वाला है, फिर सरकार दूसरे एक्शन ले सकती है, उसका कोई फायदा नहीं। विकैग ने दावा किया है कि देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। कैग के मुताबिक 2006 से 2007 और 2009 से 2010 के दौरान कंपनियों ने 46,000 करोड़ के ग्रॉस रेवेन्यू को कम करके बताया और सरकार को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी। कैग ने कहा है कि इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेलीकॉम, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एयरसेल शामिल हैं। कैग ने 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की थी वो अनुमान पर आधारित थी, लेकिन अब कैग ने कंपनियों के खातों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है। कैग की रिपोर्ट में 2009 में टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग अदालतों में चुनौती दी थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद कंपनियां अपने खातों की जांच के लिए तैयार हुई थी। अब दवाओं की कीमतों पर सरकारी पैनल की सिफारिशों की बात करते हैं। दवाओं के मार्जिन पर सरकारी पैनल ने अपनी सिफारिश दे दी है। पैनल ने दाम वाजिब रखने के लिए दवाओं के ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने की सिफारिश की है। पैनल के मुताबिक ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स सबके लिए ट्रेड मार्जिन के ऊपर लिमिट जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के लिए भी ट्रेड मार्जिन की लिमिट तय करने की सिफारिश की है। पैनल ने 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत वाली दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय नहीं करने की सिफारिश की है। पैनल ने यह भी कहा है कि नए स्टॉक पर ऑफर आए तो पूरा फायदा ग्राहकों को ही दिया जाना चाहिए। और अब कैसे तय होता है ट्रेड मार्जिन? एनपीपीए के मौजूदा फॉर्मूले के हिसाब से अभी ट्रेड मार्जिन की सीमा नहीं है। सेगमेंट की 1% प्लस मार्केट शेयर वाली दवाओं की औसत कीमत से मार्जिन तय होता है और मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर कोई दवाओं में 400 से 500% तक ट्रेड मार्जिन होता है।